फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम कम मसालों का यूज करके आसानी से और झटपट बनने वाला पनीर भुर्जी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, कद्दूकस कर लिया है इसको, 2 बारीक कटे प्याज लिए हैं, 1 बारीक कटा शिमला मिर्च लिया है, 1 बारीक कटा टमाटर लिया है, जीरा लिया है, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च ले ली है। सबसे पहले हम तेल गरम करके जीरा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज लिया है, आप चाहे कोई सा भी तेल यूज लें। प्याज डाल देंगे इसमें, फ्राई कर लेंगे इसको। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे इसको भी। अब टमाटर के ऊपर हम नमक डाल देंगे। टमाटर के ऊपर नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। मिला लेंगे नमक को भी। अब इसे ढक के 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। टमाटर हमारे सिक चुके हैं, हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, मिला लेंगे इसको। फिर से ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। शिमला मिर्च भी सिक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का भी पाउडर डाल देंगे, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, मिला लेंगे इन सबको। अब मसालों को हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। बीच बीच में मिला लेंगे इनको ताकि मसाले तले पे नहीं लगे। मसाले सिकने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मसाले कोट होने तक ही फ्राई करना है। सारे मसाले पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। लास्ट में इसमें काली मिर्च डाल देंगे, आप चाहे तो गरम मसाला डालें। मिला लें इनको। हमारा पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या परांठों के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।